अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान स्किन सॉल्यूशंस। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं दैट इज़ हाइफू। मैं इसलिए इसके ऊपर दोबारा बात करना चाह रही हूँ बिकॉज आपको मैंने बताया था, पहले भी हमने ये डिस्कस किया था कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी जाती है। जब उसकी हाइप क्रिएट कर दी जाएगी या की जाएगी तो आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा, देखने वाले को ऐसा लगता है कि उसके हर मसले का हल जो है वो उसी में है, जबकि ऐसा होता नहीं है। हर फेस इंडिविजुअल होता है और हर फेस जो है उसके ऊपर किस चीज़ की, किस प्रोसीजर की ज़रूरत है और क्या करेक्शन देने से वो फेस आपको पहले से ज़्यादा प्रोपोर्शनेट और करेक्टेड और यूथफुल लगेगा, ये बहुत ज़रूरी है कि इसको समझा जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक चीज़ जो है वो ऐसी होगी जिससे हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक छोटा सा ट्रिक जो मैं आपको बताऊंगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और वो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये जज करने में हेल्प करेगा या ये असेस करने में हेल्प करेगा कि आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। हाइपू होता क्या है? इट्स हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है, या अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं। अच्छा, वैसे तो अल्ट्रासाउंड जो है वो कब से यूज़ हो रहा है और बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है और वो हम उसको डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं उनको इंटरनली देखने के लिए यूज़ करते हैं। स्किन में फॉर सम हाउ जब भी आपको रीजुविनेशन देनी है तो उसका तरीका या मैकेनिज्म एक ही होता है, चाहे वो आप किसी भी प्रोसीजर के थ्रू करेंगे। दैट इज़ जब हम किसी मशीन के थ्रू करेंगे तब इसका मैकेनिज्म सेम ही रहता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंजेक्टेबल्स या बोटॉक्स या फिलर्स। क्या होता है कि स्किन में माइक्रो इंजरीज दी जाती हैं और माइक्रो इंजरीज जो हैं वो इंटर्न ब्रेन को बताती हैं कि यहाँ पे कुछ हो गया है, कुछ ख़राब हो गया है और वो उसको रीबिल्ड करने के लिए या रिकन्स्ट्रक्शन के लिए ऑर्डर देता है और उसकी वजह से वहाँ पे फिर से कॉलेजन इलास्टिन जो है वो बनना शुरू होगी और फिर से रिपेयर का काम शुरू हो जाएगा। जो टाइटनिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं उनका एक ख़ास मैकेनिज्म है। ज़्यादातर उसमें जो हीट है उसको इन्वॉल्व किया जाता है और हीट या थर्मल इंजरी होती है जो कि बहुत कंट्रोल्ड फॉर्म में होती है और वो वहाँ पे रीजुविनेशन का प्रोसेस जो है वो दोबारा से स्टार्ट करती है। एक जो अगर आपको लेंथ वाइज किसी चीज़ को उठाना है, लेट्स सपोज कि अगर आप ये वाला एंगल देख रहे हैं और आप कहते हैं कि यहाँ पे मुझे सैग फील होता है कि मेरी स्किन जो है वो यहाँ से ढलकी हुई है, लटकी हुई है, देन यू डोंट रिक्वायर द टाइटनिंग ट्रीटमेंट। टाइटनिंग ट्रीटमेंट्स आपको इस वक्त रिक्वायर्ड होंगे जब आप उसको इस एंगल से खींचना चाहते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सैग जो है वो ख़त्म हो जाए, उसको एक जगह के ऊपर हम ले आएँ, तो फिर मे बी आप वो रिक्वायर नहीं करते हैं। इसके डिफरेंट इंडिकेशंस होते हैं। आप कभी भी ये मत समझिए कि कोई एक प्रोसीजर ऐसा होता है या ऐसा होगा जिसको कराने से आपका हर इशू सॉल्व हो सकता है। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट इंडिकेशंस होती हैं। हाइफू इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट जब भी आपको टाइटनिंग चाहिए, नेक पे चाहिए या आपको उसके अलावा आपके फेस पे चाहिए, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको नेक के अलावा डिकॉल्टे पे चाहिए तब भी यूज़ हो जाएगा। आप अगर अपने एब्डोमेन पे यूज़ करना चाहते हैं तब भी होगा। आप अपने हैंड्स पे यूज़ करना चाहते हैं तब भी हो सकता है, पर इट डिपेंड्स। इसके लिए कंसल्टेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पहले जब ये चेक कर लिया जाए कि आपके फेस पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और आपका फेस जो है उस पर करेक्शन या यूथफुल अपेयरेंस के लिए किस चीज़ को करने की ज़रूरत है या क्या करेक्ट करने की ज़रूरत है, देन द होल गेम स्टार्ट्स। अगर आपको ये लगता है कि हाइफू ऐसी एक ट्रीटमेंट है जिससे हर किसी फेस को यूथफुल अपेयरेंस दी जा सकती है और करेक्शन की जा सकती है, तो इट्स नॉट ट्रू। जी, जिनमें जहाँ ज़रूरत है, जहाँ इंडिकेटेड है, वहाँ आप करेंगे, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और मल्टीपल सेशंस नहीं चाहिए होते हैं, बट मोस्टली फेस के ऊपर जो है वो हमें 2 to 3 सेशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। जो गैप दरमियान में होता है वो 3 weeks से लेके समवेयर बिटवीन 6 weeks तक या 9 weeks तक जो है वो हम लेके जा सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई ऐसा ट्रीटमेंट होगा जिसका फुल रिज़ल्ट जो है वो आपको
तीन महीने तक आता रहता है और उसके बाद आपको फुल रिजल्ट मिलता है या मिल सकता है, नज़र आता है फुल रिजल्ट, तो आप उतना गैप उसके अंदर रख सकते हैं। हाइफू जो है वो एक टाइटनिंग ट्रीटमेंट है जिसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दैट इज़ थर्मल, जिसमें हीट जो है वो इन्वॉल्व होती है और फिर वो आपकी स्किन को जो है वो टाइट करेगी। थर्मल इंजरीज छोटी छोटी माइन्यूट होती हैं जिनको दिया जाता है, जिसकी वजह से कॉलेजन इलास्टिन जो है वो फिर से बनना शुरू हो जाती है और फिर वो काफ़ी अरसे तक स्टिमुलेट होती रहती है। इसलिए जहाँ पे हमें टाइटनिंग रिक्वायर्ड है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पोर टाइटनिंग प्लीज़, लेकिन अगर आपकी स्किन में टाइटनिंग की जाएगी तो किसी हद तक पोर्स भी आपको कम डायलेटेड लगेंगे। तो अगर आपकी स्किन जो है उस पर हमें सिर्फ खाली टाइटनिंग रिक्वायर्ड है देन वी कुड यूज़ दिस। लेकिन ये रिप्लेसमेंट ऑफ बोटॉक्स या जहाँ पे आपको फिलिंग की ज़रूरत है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिलर जो है वो नहीं हो सकता। और बहुत सारे एरियाज ऐसे होंगे या ऐसे फेसेस होंगे जिनके ऊपर हमें थ्रेड्स की ज़रूरत होगी, तो फिर उसकी ज़रूरत भी रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही ट्रीटमेंट जो है वो बहुत सारी ट्रीटमेंट्स को रिप्लेस कर सकता है। होपफुली आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं या बहुत सारी क्वेरीज हैं वो क्लियर हुई होंगी, आपको ये समझ में आया होगा कि कंसल्टेशन क्यों इम्पॉर्टेंट होती है और ये देखना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें करेक्शन या यूथफुल अपेयरेंस देने के लिए एक फेस या इंडिविजुअल फेस पे किस चीज़ की ज़रूरत है। हाइफू इज़ ए वेरी गुड ट्रीटमेंट और हाइफू हम भी ऑफर करते हैं पेशेंट्स को जी जहाँ पे इंडिकेटेड है या जिस फेस पे इंडिकेटेड है और हाइफू करके आप उसको बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं, वहाँ पे हम ज़रूर करते हैं। और इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, मेल्स करा सकते हैं, फीमेल्स करा सकती हैं। और अगर आपकी स्किन जो है वो आपको लगता है कि उसके अंदर सब्सटेंस कम है और आप एजड भी नहीं हैं तो तब भी आप हाइफू को करवा सकते हैं और इसको कंसिडर किया जा सकता है। इंडिविजुअल फेस होता है और उसकी असेसमेंट अगर अच्छी होगी या सही होगी तो उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड करेंगे और उसका रिजल्ट भी फिर आपको बहुत अच्छा मिलेगा।